लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम कर्ली की लंबाई ले लेंगे, 38 में 1 इंच प्लस करके 7 इंच माइनस कर देंगे 1 इंच सिलाई के लिए, और 7 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे जो पर हम बेल्ट जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वैसे ही निशान ले लेंगे कली के बराबर पार्ट के, और पोंछे के निशान लेंगे नीचे की साइड। यहाँ पे पोंछे का हाफ इंच लिखा है, हमें हाफ ना लेके इसका डबल लेना, जैसा कि हमारा 7 इंचेस है तो उसको डबल कर देंगे 14 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं 14 इंचेस आएगा, ओके। अब हम बेल्ट का निशान, बेल्ट के लिए ड्राफ्ट बना लेंगे। बेल्ट हम हिप का हाफ इंचेस लेंगे, वो हमारा पार्ट था, ये हमारी बेल्ट है, हिप का हाफ इंचेस ले लेंगे। हाफ मीन्स 44 इंचेस का हाफ 22 प्लस 4 इंच लूजिंग के लिए ले लेंगे, और 1 इंच मार्जिन दोनों साइड से सिलाई करने के लिए, ठीक है। और 9 इंच बेल्ट की लंबाई होगी। अब हम कपड़े पे काटेंगे इसको। हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, मीन्स दो कपड़े कर लिए हमने इसको फोल्ड करके। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, बट ये हमारा कपड़ा सीधा है तो हम इसे कट नहीं करेंगे, बट अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा तिरछा हो रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको बराबर कर लीजिए। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे 9 इंचेस, जैसा हमने ड्राफ्ट में निशान लगाया था 9 इंचेस लगा लेंगे। इसके बाद अंदर की साइड हमने 3 इंचेस लिए थे, उसको हम इस तरह ले लेंगे आसन के साथ ही। तीन इंचेस का निशान सीधा करके ड्रॉ कर लेंगे इस पे। और जब भी आप निशान लगा रहे हैं तो एक बार अपने ड्राफ्ट के साथ अपने कपड़े को मैच कर लीजिए कैसे आप निशान लगा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 32 इंचेस लिया है जो कि हमारा टोटल कली की लेंथ है। अब इसी तरह वहां पर हमने स्टार्टिंग में पहले आसन लिया था, अब हम इस साइड लेंथ लेंगे, लेंथ 32 इंचेस है हमारी। इसके बाद हम इसके ऊपर से ही आसन का निशान लगा लेंगे, दोनों साइड इक्वल ही होगा। इसको इक्वल करके हम इस पे सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा कर्ली का पूरा कपड़ा आ गया है। अब यहाँ जैसे हमने उस साइड 3 इंचेस का निशान लगाया था, वैसे ही इस साइड भी 3 इंचेस का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मैच कर लेंगे एक साथ। इसकी सहायता से हम इसको सीधी लाइन खींचेंगे, और सीधी लाइन हमने खींच ली है। अब आधा इंचेस का मार्जिन लेके हम इसको गोलाई देंगे, जैसे कि हम गले में गोलाई देते हैं वैसे ही हल्के हाथों से इसको भी गोलाई देंगे, जिससे कि हमारा आसन गोलाई में आएगा और कपड़े में चुन्नटे नहीं आएंगी। ऐसे ही इस साइड भी हम कर लेंगे। कपड़ा काटने से पहले एक बार अपने ड्राफ्ट को और अपने निशान को मैच कर लीजिए कि आपने बिल्कुल ठीक लगाया है, या फिर कहीं पे कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा से नाप लीजिए। अब हम कपड़े को काट रहे हैं, ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ से हमने अपना एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर लिया है। अब निशान के ऊपर ही कैंची चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करते हुए धीरे धीरे ही अपना काम करेंगे।
ये हमारी दो और दो चार कलियां तैयार हैं। अब इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। इस कपड़े पे हम उल्टे और सीधे के निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें सिलाई करते हुए आसानी होगी। इस वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे। ये हमारी कलियां हैं, ये दो कली ये हो गई, दो कली वो, दोनों साइड दो दो कली जुड़ेंगी, तो इनको भी हम अलग कर लेंगे ऐसे ही। सीधे उल्टे के निशान लगाना जरूरी है, नहीं तो आप कपड़ा उल्टा सीधा जोड़ सकते हैं। अगर हम सीधे उल्टे के निशान लगा लेंगे तो हमें ही आसानी होगी कपड़े को ज्वाइन करने में, और कपड़ा जल्दी भी जुड़ जाएगा। अब हम पार्ट काटेंगे। पार्ट को भी हम वैसे ही काटेंगे जैसे हमने कलियां काटी हैं। डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जल्दी करवाई, पार्ट की चौड़ाई थी 14 इंचेस, तो 14 इंचेस का निशान लगाएंगे जैसे कि हमने उसमें लिखा है। यहाँ से हमने लेंथ ले लिया है। लेंथ है हमारी, जितनी ही कली की लेंथ थी उतना ही पार्ट का भी लेंथ होगा। कली की लेंथ 32 इंचेस थी, तो पार्ट का भी लेंथ 32 इंचेस ही होगा। पोंचे हमारे 7 इंचेस थे, तो उसका डबल हमें लेना था, तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 प्लस 14 इंचेस। 14 इंचेस पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी 14 इंचेस निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को सीधा खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचते हुए कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम 32 इंचेस निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को भी मैच कर लेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा टेम्परेरी स्केल है। निशान पे ही कट करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करके जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही कपड़ा कट करेंगे। कटिंग करते हुए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अब पार्ट्स पे भी हम सीधे उल्टे का निशान लगा लेंगे, दोनों दोनों पार्ट पे। अब हमारा सिर्फ बेल्ट रह गया निकालने के लिए। बेल्ट निकालने के लिए हम साइड से कपड़ा लेंगे, बिल्कुल ऐसे 9 इंचेस का हमारा बेल्ट है, तो 9 इंचेस लेंथ लेंगे और चौड़ाई हमारी होगी 26 इंचेस। प्लस दोनों साइड से कपड़ा ओपन होने के कारण हम इसमें 1 इंचेस प्लस करेंगे दोनों साइड से सिलाई लगाने के लिए, तो ये हमारा तैयार 27 इंचेस आएगा। सिलाई लगाने के बाद 26 इंचेस हो जाएगा। यहाँ से हम 26 इंचेस लेंगे पहले। ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब
अब हम 26 इंचेस लेंगे। यहाँ से आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, और दूसरे साइड से भी आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। ये टोटल हमारा 27 इंचेस आ जाएगा। सिलाई करने के बाद 26 इंचेस आएगा। इसको ऊपर से कट कर लेंगे और फिर नीचे से भी फोल्ड कपड़े को कट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हमें कट करना है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करते हुए, जितना कपड़ा हमें चाहिए हम उतना ही कपड़ा कट करेंगे। नीचे वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे। और इन कपड़ों पे भी सीधे उल्टे का निशान लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारा बेल्ट है, इसे बेल्ट दिख। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, पर बेल्ट लिखा है उस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सिलना सीखेंगे।